क्या कभी आपने सोचा है भाई, हमारे देश के अंदर या फिर आप कहीं पे भी जाते हो, सिर्फ दो ही कंपनियां एग्जिस्ट करती है, कोको कोला और पेप्सी, जब भी हमको कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीनी होती है। ऐसा क्यों? एक बार सोच के देखो, जितने भी ब्रांड्स हैं सारे के सारे पेप्सी ओन करता है या फिर कोक ओन करता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज जो हम बात करने वाले हैं कोला वॉर के बारे में, इसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। देखिए, हमेशा से इन दोनों कंपनियों की हिस्ट्री रही है, ये जिस देश के अंदर जाते हैं वहां पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। अब कैसे हो सकता है ये समझिए। ये बहुत बड़ी कंपनी है, इनके पास बहुत पैसा है, ये सब कुछ कर सकती है, ये लॉस लीडरशिप के ऊपर काम कर सकती है। हमने पहले भी बात करी है, लॉस लीडरशिप का मतलब मैं लॉस में अपना प्रोडक्ट बेचूंगा ताकि मेरा कॉम्पिटिटर खत्म हो जाए। तो भाई ये क्या करते थे, मान के चलिए मेरे को एक कोको कोला की बोतल है जिसकी कॉस्टिंग ही 4 रुपए आती है, तो ये 3 रुपए की बेच देंगे मार्केट के अंदर। और क्या करेंगे, ये मार्केट से सारी की सारी जो इनके कॉम्पिटिटर की बोतल से वो खरीद लेंगे। तो जब ये इंडिया के अंदर आए तो भाई पार्ले का ब्रांड था इंडिया के अंदर, वो बाकी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहां की सारी बोतलें खरीद लेते हैं, अब बोतलें तोड़ देते हैं, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को अवेलेबल नहीं करते, तो सामने वाले कंज्यूमर के पास ऑल्टरनेटिव क्या रहता है कि भाई वो दूसरा ब्रांड ले। अब दूसरे ब्रांड के अंदर पेप्सी या फिर कोक ही अवेलेबल होती है, तो वही चलती है। थोड़े टाइम के बाद लोगों को उसकी आदत हो जाती है, वो पेप्सी कोक ही लेने लग जाते हैं। और हमारे देश के अंदर या फिर हर देश के अंदर इंटरनेशनल प्रोडक्ट की ज्यादा वैल्यू होती है भाई, इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड है। तो देश के प्रोडक्ट, जो देश के अंदर प्रोडक्ट बनता है उसकी ज्यादा इज्जत नहीं होती है। देश का प्रोडक्ट लोकल प्रोडक्ट होता है भाई, लोकल है, लोकल है। बताऊंगा आपको स्वदेशी अभियान के बारे में, आने वाले इसी हफ्ते के अंदर बात करेंगे स्वदेशी अभियान हमारे देश के लिए अच्छा है या फिर बुरा। मेरे को कमेंट में जरूर याद दिला देना ताकि मुझे याद रहे, मैंने उसपे वीडियो बना दिया। अब सीधा केस स्टडी के ऊपर आते हैं भाई, इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर लेके चलते हैं। 1956 के अंदर पेप्सी इंडिया के अंदर आता है अपना ब्रांड लेके, चलने की कोशिश करता है, वो अपनी मार्केट नहीं बना पाता, खत्म हो जाता है। क्योंकि उस टाइम हमारे देश के अंदर क्या होता था, एग्रीकल्चर वाले ज्यादा लोग होते थे, गन्ने का जूस ज्यादा पीना पसंद करते थे, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी, इस चक्कर में ब्रांड नहीं खड़ा हो पाया। तो 1961 के अंदर भाई पेप्सी हार मार के हमारे देश से चला गया। उसके बाद कोको कोला आया, कोको कोला ने अपनी मार्केट रिसर्च करी और अपना ब्रांड एक्सपेंड करने की कोशिश करी, और उसने 80% कोला की मार्केट कैप्चर कर ली हमारे देश के अंदर। मैं बताऊंगा आपको कि पेप्सी और कोको कोला के अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है। कोको कोला हमेशा आप देखोगे कोको कोला ड्रिंक्स के अंदर बहुत पॉपुलर है हमारे देश के अंदर, आप कहीं पे भी देखोगे कोक इज अ बेटर ब्रांड देन पेप्सी ड्रिंक्स के कंपैरिजन में। तो भाई 1977 के अंदर क्या हुआ, ये स्वदेशी आंदोलन चला और सबको कहा कि भाई हम बाहर के ब्रांड हमारे देश के अंदर नहीं आने दे सकते, अगर आपको आपका ब्रांड हमारे देश के अंदर बेचना है तो आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी कोई भी इंडियन ब्रांड के साथ। तो भाई कोको कोला का जो फॉर्मूला था वो पेटेंटेड है, अगर उनका वो फॉर्मूला लीक हो जाएगा तो उनका ब्रांड खत्म हो सकता है, तो उन्होंने हमारे देश के अंदर पार्टनरशिप नहीं करी और वो चले गए। अब था बड़ा ब्रांड पार्ले, पार्ले ने भाई मार्केट में जान लगा दी और अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया। तो 60% मार्केट पार्ले ओन करता था, थोड़ी सी कैंपा कोला एक कंपनी थी वो ओन करती थी और छोटी मोटी कंपनियां बाकी ओन करती थी, तो मेजोरिटी ऑफ जो मार्केट शेयर था वो पार्ले के पास था। उसके बाद 1986 के अंदर पेप्सी टाइप करके हमारे देश के अंदर आता है, और वो अभी फुल फ्लेजेड फैला नहीं था, बस वो टाइप करके हमारे देश के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और आपको पता होगा 90s के अंदर ओपन मार्केट हो चुकी थी हमारे देश के अंदर, मतलब कोई बाहर की कंट्री आके हमारे देश के अंदर काम कर सकती थी, पहले अलाउड नहीं था, ग्लोबलाइजेशन हमारे देश के अंदर अलाउड नहीं था, हमारा देश ग्लोबलाइजेशन टाइप में हुआ नहीं था। तो 90s के अंदर हुआ, पेप्सी 91 के अंदर हमारे देश के अंदर आया। पहले भी इसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी, बाद में भी इसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज ही अगर हम देखें तो। फिर उसके पीछे पीछे भाई कोको कोला भी आ गया और उसने पार्ले को खरीद लिया 1993 के अंदर। अब पार्ले को तो भाई बिकना ही था ना, जो पार्ले का ब्रांड था, जो हम थम्सअप पीते हैं वो पार्ले का ब्रांड था, एक्चुअली थम्सअप पार्ले ने बनाई थी। अब वो कोको कोला ओन करता है, पर अगर देखा जाए तो भाई हमारे देश का प्रोडक्ट था स्टार्टिंग के अंदर। तो भाई 60% मार्केट थम्सअप के थ्रू ही पार्ले ने कैप्चर कर रखी थी, वो 60% मार्केट को सीधा इसने खरीद लिया। पर इन्होंने एक गलती करी, दिस इज बहुत बड़ी गलती, इसको कहते हैं कैनिबलाइजेशन। इन्होंने क्या किया, एक ब्रांड को खरीदा और खा गए, थम्सअप नाम का कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था। अब भाई क्या था, जो 60% मार्केट थम्सअप की बन रखी थी वो 60% मार्केट को आप कैप्चर नहीं कर सकते। कोको कोला को रियलाइज हुई और कोको कोला ने अल्टीमेटली थम्सअप नाम का प्रोडक्ट फिर से रिलॉन्च किया। ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर पहली बार हुआ था जब किसी ब्रांड ने, कोला वॉर वाले ब्रांड ने
एक कंपनी को, कंट्री वाली कंपनी को खरीदा और उसको कैनेबलाइज नहीं किया, उसका प्रोडक्ट्स को रिलॉन्च करना पड़ा। तो देखिए कितनी बड़ी चीज हो गई थी। और मैं आपको बताता हूँ, पार्ले अपने आप को अगर चाहता तो रिटेन कर सकता था, पर उन्होंने रिटेन क्यों नहीं किया भाई? सबको मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया, कोला वॉर होती है, इनके पास तो बहुत पैसा है ना, पार्ले के पास उतना कंपेरेटिवली पैसा नहीं है। वो मार्केट के अंदर इसका प्रोडक्ट ही ऑब्सोल्यूट कर देता, खाली सारी की सारी बोतलें तोड़ दी जाती, प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन के अंदर पार्ले का प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होता, अल्टीमेटली उसकी डिमांड घट जाती और खत्म। अब हम बात करते हैं भाई पेप्सी और कोको कोला की स्ट्रैटेजिक डिफरेंशिएशन के बारे में। कोको कोला कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर कंसंट्रेट करता है, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर भी करता है, और उसका एक और ब्रांड है जहां पे हम चिप्स नमकीन वमकीन खाते हैं, फ्रूटोले नाम का। अगर आपको नमकीन टाइप की चीजें रखनी है तो आपको अपनी सप्लाई चेन को थोड़ा सा फास्ट मूविंग करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एकदम अवेलेबल कराना पड़ेगा मार्केट में। इस चक्कर में अगर इनकी सप्लाई चेन देखा जाए तो पेप्सी की सप्लाई चेन छोटी है, मतलब छोटी का मतलब एक एक जगह पे आउटलेट है, वहां से छोटे छोटे डिस्टेंस के अंदर चीजें ट्रेवल हो रही है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं भाई, कोको कोला है, कोको कोला को दिल्ली के अंदर सप्लाई करनी है अपनी कोल्ड ड्रिंक, तो क्या कर सकता है, एक दिल्ली के सेंटर के अंदर अपना जगह रख लेगा जहां पे सारे के सारे ड्रिंक्स को स्टोर करेगा, वहां से ट्रक निकलेगी और हर कोने में चले जाएगी। पेप्सी क्या कर सकता है, पेप्सी एक छोटे छोटे एरिया को पकड़ेगा, जैसे मैं रोहिणी में रहता हूं तो रोहिणी के अंदर उन्होंने एक वेंडर बना दिया या इन्वेंट्री वाली जगह बना दी जहां पे फ्रूटोले का माल भी पड़ा है, जहां पे कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी है। अब एक गाड़ी आती है जो सारा का सारा माल लेके डिलीवर करती है छोटे छोटे एरियाज के अंदर। तो अगर देखा जाए तो रीच वाइज पेप्सी इज बेटर। कोको कोला का अगर माल उसको डिलीवर करना है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा आएगी, इससे कारण वो ज्यादा माल दुकान पे रख देता है ताकि उसको कम से कम चक्कर लगाने पड़े। पर पेप्सी के पास लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है तो वो थोड़े थोड़े माल भी सप्लाई कर सकता है। पर भाई यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत है, जब हमारे देश के अंदर कोको कोला और पेप्सी आए तो इन दोनों की एक स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा फर्क है। कोको कोला क्या कहता है, भाई मैं तो रिसर्च करूंगा, मैं तो मार्केट रिसर्च करूंगा और अपना प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड बना के हर जगह पे बेचूंगा। कोको कोला का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, हम अपने स्टैंडर्ड के ऊपर काम करते हैं। पेप्सी कहता है, नहीं भाई हम इस देश के अंदर आए हैं, यहाँ पे मीठे का चलन है, हम इसमें मीठा ज्यादा डाल देंगे। इस देश के अंदर मीठा ज्यादा नहीं लिया जाता, इसके अंदर हम मीठा कम डालेंगे। तो वो प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन करना पसंद करता है पेप्सी, और कोको कोला प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करना पसंद करता है। दोनों की स्ट्रेटजी अलग है और दोनों की स्ट्रेटजी सक्सेसफुल है। आप कोई भी बिजनेस करते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, आप स्टैंडर्डाइजेशन भी कर सकते हो, आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, दोनों जगह पे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कोको कोला का जो प्रोडक्ट है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, वो उसको लीक नहीं होने देना चाहता। इस चक्कर में जो उसका बॉटलिंग प्लांट है वो ओन्ड बाय कोको कोला ही रहेगा। अगर आप किसी देश के अंदर किसी के साथ पार्टनरशिप करके बॉटलिंग पैक कराते हो और वो उसको लीक कर देता जो फॉर्मूला बन रहा है, वहां से कोई भी बंदा आता है और कहता है भाई चोरी हो गया वो फॉर्मूला, या जो भी आपने लिक्विड भरा था उसको निकाल के उन्होंने लैब्स के अंदर डाल के भाई निकाल दिया कि कोको कोला का फॉर्मूला गया, तो चांसेस ये है कि भाई वो प्रोडक्ट लीक हो सकता है। तो कोको कोला का जो हम कह रहे हैं ना स्टैंडर्डाइजेशन, वो स्टैंडर्डाइजेशन लूज हो जाएगा तो उसकी यूएसपी खत्म हो जाएगी। इसलिए कोको कोला अपना खुद का बॉटलिंग चलाता है, और पेप्सी के पास तो भाई कोई टेंशन नहीं है ना, तो वो आउटसोर्स कर सकता है सारी की सारी चीजें। तो भाई यही थी हमारी वीडियो कोला वॉर के बारे में। जब कोई भी कोला कंपनी पेप्सी और कोको कोला इकट्ठे लॉन्च करती है, ये आपस में कम्पीट नहीं करती, ये दोनों भाई बन जाते हैं कि भाई हम दोनों भाई है, हम जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है ना देश के अंदर हम उसको खत्म करेंगे सबसे पहले। दिस इज कोला वॉर। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। ऐसे करता हूँ, आपको अच्छी लगी होगी, कोई दिक्कत है कमेंट में से पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।